अचल संपत्ति, उसके बाद अचल संपत्ति का भी ब्यौरा मांगा गया है, अचल संपत्ति भी ब्यौरा प्राप्त कर माननीय न्यायालय से अनुरोध कर अचल संपत्ति का भी जब्त करने की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महम्मदपुर नरसंहार से पूरा इलाका सहम गया है। हर गांव चौक चौराहा चौपाल पर इसी घटना की चर्चा करते लोग देखे जा रहे हैं। घटना के बाद परिजन लगातार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सांत्वना देने मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, राजनीतिक दल व सामाजिक संगठन के लोग लगातार पहुंच रहे हैं। सत्ताधारी पीड़ित को हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा दे रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां सरकार व प्रशासन को दोषी मान रही है। जिला प्रशासन ने परिजन व राजनीतिक दबाव को देखते हुए कार्रवाई कर निवर्तमान थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिन रात छापेमारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई पुलिस कर रही है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए बेनीपट्टी SDP अरुण कुमार सिंह ने कहा, पुलिस पीड़ित को न्याय दिलाने व अपराधियों पर कार्रवाई के लिए सतत प्रयत्नशील है। हर बिंदु पर बारीकी से अध्ययन कर छापेमारी की जा रही है। पूरी पूरी रात पुलिस लगातार सूचना पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर छापेमारी कर रही है, संयोग बस गिरफ्तार नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ लगातार कुर्की जब्ती की जा रही है। अब तक 10 फरार लोगों के खिलाफ न्यायालय से कुर्की का वारंट मिला है, जिस पर पुलिस कार्रवाई कर कुर्की जब्ती कर रही है। आरोपियों के अचल संपत्ति का भी ब्यौरा मांगा जा रहा है। न्यायालय के आदेशानुसार अचल संपत्ति भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पुलिस कई थाना अध्यक्ष की टीम बनाकर मुख्य आरोपी व फरार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के सभी जिले व नेपाल में भी सूचना पर छापेमारी कर रही है। अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हालांकि परिजन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। अभी हम लोग जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए उनके घर का कुर्की जब्ती सख्ती किया जा रहा है, न्यायालय का आदेश पालन किया जा रहा है और जो नहीं गिरफ्तार हो पा रहे हैं हम लोग हर बिंदु पर छापामारी कर रहे हैं। हमारी प्रशासन 4 टीम निकली हुई है, 5 भी निकली हुई है, जो हर जगह जहाँ जहाँ रात भर भी भर रात छापामारी चल रही है। संजोग है कि वह पकड़ा नहीं रहा, बस समाज संजोग है। हम लोग पूरा है कि कहीं रहेगा निकाल लेंगे, वो अगर नहीं पकड़, अभी पकड़ गिरफ्तारी काफ़ी प्रयास हम लोग को चल रहा है, सतत प्रयत्नशील हम लोग हैं, प्रशासन मुस्तैद है, हर बिंदु पर हम लोग कहाँ उनका होगा हम कहीं भी निकाल लेंगे। उनका घर का कुर्की जब्ती हो रहा है, अचल संपत्ति, उसके बाद अचल संपत्ति का भी ब्यौरा मांगा गया है, अचल संपत्ति भी ब्यौरा प्राप्त कर माननीय न्यायालय से अनुरोध कर अचल संपत्ति का भी जब्त करने की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायालय का आदेश का जो लोग जो आरोपी फरार है और कुर्की जब्ती के बाद सरेंडर नहीं करते, हाँ तब फिर माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे अचल संपत्ति का भी जो विधिवत नियमन उनका है माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में वो भी कार्रवाई हम पुलिस द्वारा। अब तक कितना गिरफ्तारी है? 10 गिरफ्तारी हुई है, अंग की गिरफ्तारी हेतु सतत प्रयासशील है और प्रशासन अभी कुर्की जब्ती कार्रवाई कर रही है, आप लोग देखे हैं। और सर हैं, हाँ कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कुर्की जब्ती वारंट आ गया है? ये अभी तक हम लोग 10 का वारंट कुर्की जब्ती प्राप्त कर चुके हैं और आप देखे होंगे कि गाड़ी से तो चल रहा है, अनुपालन किया जा रहा है, गाड़ी भी लगी हुई है। कुर्की जब्ती का अभियान जारी है? अभियान जारी है, बल है और अन्न का भी जो है माननीय अनुरोध किया जा चुका है, कल तक उसका भी कुर्की हम लोग प्राप्त कर लेंगे और उस पर भी जो विधिवत कार्रवाई है वो हो। जहाँ उनका सुराग उन लोग का सुराग मिलता है पर तुरंत हम लोग त्वरित कार्रवाई करते वहाँ पहुँचते हैं, बस संयोग है कि नहीं गिरफ्तार हो। फिलहाल अभी किस किस जिले में आप लोग छापेमारी कर? जो हमारा सीमावर्ती जिला है लगभग नेपाल भी हम लोग जहाँ है संभव, जहाँ हमको पता चलता है, कहीं भी पता चलता है वहाँ तक हम जा रहे हैं।